दोस्तों एक कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जैसे आजकल लॉकडाउन में भारतीय रेल भेजी कहीं और गई कहीं और, उसी तरीके से बस भेजी पूर्व गई पश्चिम। इसी में देखते देखते भारतीय डाक ने भी ऐसी काम कर लिया। थोड़ी ये व्यंगात्मक है, सही बात तो खैर नहीं है भारतीय डाक की, लेकिन है वो कैसी है कि एक माँ अपनी बेटी को पत्र लिखती है, जो बेटा उनका लॉकडाउन में फंसा होता, पत्र भेजती है कहीं और यानी बेटे को, और पहुँचता पत्र कहीं और। पत्र कहीं और पहुँचता कोई बात नहीं है, लेकिन पत्र का प्रारूप ही चेंज हो गया है। माता ने कुछ लिखा था चिट्ठी पे, अपनी छोटी बड़ी बातें लिखना चाह रही, लेकिन उसका मीनिंग कुछ ऐसा हो गया है कि आप देख लीजिए कैसे हुआ। अब आइए आपको दिखा। माँ की चिट्ठी। देहात से एक माँ लॉकडाउन में फंसे अपने बेटे को पत्र लिखती है और उस पत्र में सारी बातें बताने की कोशिश करती है, लेकिन भाषा में कम पकड़ होने के कारण वह माँ पत्र को पूर्ण लिखने के बाद अंत में एक साथ बीच बीच में पूर्ण विराम लगा देती है। कम पढ़ी लिखी माताजी ने चिट्ठी इस प्रकार लिखी। प्रिय बेटे, आज का लॉकडाउन है, मेरी जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, मोदी जी के खजाने में काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, चोरों के घर में छापे पड़ रहे हैं, गरीबों के घर में आजकल खाने को कुछ नहीं है, अमीरों के घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, भारत सरकार में गरीबों की सहायता अब करेंगे, चोर चंडाल डकैत सब खत्म होंगे, इस देश में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा, अब हम सबको डकैत मिलकर खत्म करने होंगे। सभी बड़े बड़े नेता कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, सभी कोरोना मुर्दे एक ही तरह से जलाए जा रहे हैं, आजाद भारत के नागरिक स्वयं अब खुद की चिंता करेंगे, हम तनिक भी परेशान नहीं हैं, तुम्हारी माँ। अब पत्र पूरा लिखने के बाद माँ जहाँ उसका मन करता है पूर्ण विराम लगा देती हैं, और जब सारे पूर्ण विराम लग जाते हैं तो पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से हो जाता है। जो इस चिट्ठी का मीनिंग फुल स्टॉप लगाने से हुआ है, वो चिट्ठी वही है, फुल स्टॉप से लगाने से इसका मीनिंग जो गड़बड़ हो गया है। प्रिय बेटे, आज का लॉकडाउन है, मेरी जेब में एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, मोदी के खजाने में काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चोरों के घर में आजकल छापे पड़ रहे हैं, गरीबों के घर में आजकल खाने को कुछ नहीं है, अमीरों के घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, भारत सरकार में गरीबों की सहायता अब करेंगे, चोर चकैत चंडाल सब खत्म हो जाएंगे, इस देश में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना होगा, अब हम सबको डकैत मिलकर ख़त्म करने होंगे, सभी बड़े बड़े नेता कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, सभी कोरोना मुर्दे एक ही तरह से जलाए जा रहे हैं, आज़ाद भारत के नागरिक स्वयं अब अपनी चिंता खुद करेंगे, हम तनिक भी परेशान नहीं है, सरकार सिर्फ अब तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारी माँ।